एवरीवन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंस्टेंट और क्रिस्पी स्नैक्स। इसमें हम क्या क्या इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करेंगे ये हम आपको अभी नहीं बताएंगे, आप इसमें वीडियो में देखेंगे और अंत तक ज़रूर जुड़े रहिए। तो आइए फिर फटाफट इसकी रेसिपी के साथ शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम लेंगे 1/4 कप साबुदाना, ये हमने भिगोया नहीं है, और हम लेंगे 1 कप सूजी। और इन दोनों को हम पीस लेंगे, एक पाउडर बना लेंगे। ये पाउडर हमारा तैयार है। अब हम लेंगे 3 उबले हुए आलू, 1 इंच अदरक जिसको हमने घिस लिया था, 1 कटी हुई हरी मिर्च, 1 कप रोस्टेड पीनट जिसका हमने पाउडर बना लिया था, पहले हमने पीनट्स को रोस्ट कर लिया था और उसके बाद उसका पाउडर बना लिया था, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, थोड़ा हरा धनिया, 1/2 चम्मच जीरा, नमक स्वाद अनुसार, और ये जो हमने अभी पाउडर बनाया था उसको हम डाल देंगे। इन सब को हम अच्छे से मिला लेंगे। अगर ये मिक्सचर आपका ज़्यादा टाइट बन रहा है तो आप पाउडर कम भी डाल सकते हो, या फिर आप उबले हुए आलू थोड़े ज़्यादा डाल दो। अब हम इस मिक्सचर को 1/2 घंटे के लिए रख देंगे। अब बारी है इसके साथ के लिए चटनी बनाने की। तो उसके लिए हम लेंगे 10 से 11 साबुत लाल मिर्च और इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे और फिर हम इसको लगभग 10 मिनट के लिए भिगो कर रख देंगे। 10 मिनट हमारे हो चुके हैं, साबुत लाल मिर्च भी हमारी सॉफ्ट हो गई है। तो अब हम मिक्सी में ये लाल मिर्च को डाल देंगे। और उसके साथ हम डालेंगे 1 इंच अदरक, 2 चम्मच हमारा पीनट पाउडर और नमक स्वाद अनुसार, और 1/2 कप हम डालेंगे दही। तो अब फटाफट से हम इसको पीस लेंगे। तो ये चटनी भी हमारी तैयार हो गई है। चलिए अब स्नैक्स बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अब हम इसकी शेप बनाएंगे। आप इसे कोई भी शेप दे सकते हैं। तो लीजिए, ये तैयार तो हो गए हैं। अब बारी है इनको तलने की। तो तेल को मैंने अच्छे से गरम कर लिया है और एक एक कर अब मैं इनको डाल दूंगी। और इसको हम मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकाएंगे। स्नैक्स तैयार है। देखा कितनी फटाफट बन जाता है। तो आप भी फटाफट जाके इसको ट्राई कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका मजा ले सके। I couldn't read the signs, I don't know why I left you in this
time I must be blind. I guess I couldn't trust you.